हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तरु है, नमस्ते। तो मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी बॉम्बे से की है। एमडी मैंने 2013 में कंप्लीट किया। उसके बाद गांव में काम करना चाहती थी, इसलिए बिहार में 2 साल मैंने 2014 से 16 तक काम किया है। उसके बाद मैंने 2016 के बाद मेरा ज्यादा से ज्यादा काम स्तनपान के ऊपर रहा है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिग्री भी पास की है जो अमेरिका से मिलती है। और मेरे जो एमडी के समय जो अनुभव हुए थे, उसके हिसाब से मुझे पता चला कि हम 10 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बहुत ज्यादा स्तनपान के बारे में नहीं जानते हैं, डॉक्टर होते हुए भी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्किल्स हैं, हमारे जो पढ़ाई हुई है स्तनपान को लेके, उसमें बहुत कमी रह गई है। तो फिर मेरा काम उसके बाद ये रहा है कि मैं वर्कशॉप लेती हूँ डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, जैसे आज आपके साथ ले रही हूँ, और पूरे भारत के डॉक्टर्स और नर्सेस को मैंने अलग-अलग जगह ट्रेन किया है। उसके साथ साथ मैं माताओं की भी का भी प्रशिक्षण लेती हूँ, जैसे जो डिलीवरी जिनकी नहीं हुई है, जो गर्भवती हैं, उनका ट्रेनिंग लेती हूँ, उनके डिलीवरी के बाद वाली माताओं का लेती हूँ। और मेरा एक छोटा सा सपोर्ट ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो आजकल व्हाट्सएप सबसे अच्छा माध्यम है माताओं से कनेक्ट करने का, क्योंकि कोविड का भी टाइम है और वैसे भी किसी ब्रेस्ट फीडिंग औरत को घर से बुलाना ट्रेनिंग करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऑनलाइन कर पाना, व्हाट्सएप पे कर पाने की वजह से हम बहुत सारी माताओं से कनेक्ट हो पाए हैं। तो हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जिसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग मैटर्स, वो 2.5 साल हो चुके हैं उसे, और उसने 400 से ज्यादा भारतीय माताओं को हेल्प किया है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो अनघा जी से मैंने बात की थी, समीक्षा जी से बात की थी कि मैं चाहती हूँ कि हेमल कसा में भी एक बार नर्सेस से शेयर करूं मैं जो जो ब्रेस्ट फीडिंग में जानती हूँ, ताकि आप लोग जो भी वहाँ काम करते हैं, वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन में, वहाँ के रूरल पॉपुलेशन में, तो शायद इन बातों का आपको उपयोग हो। और वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये दो चीजों का स्तर बेहतर हो। तो हम ये जो ट्रेनिंग है, ये 3 से 4 सेशंस में डिवाइड करेंगे। हमारे पास लगभग 1.25 घंटा है। तो आज जो पहला सेशन है, उसमें मैं एक बहुत ही जरूरी बात के बारे में आपसे कहने वाली हूँ। जो पहली चीज जो मैं बताने वाली हूँ, वो है पहला जो 1 घंटा होता है डिलीवरी के बाद, उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे जो स्तनपान है वो बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़े। नॉर्मली हमने क्या देखा है, एटलीस्ट जहां मैंने काम किया है आज तक, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जैसे ही डिलीवरी होती है, डॉक्टर या नर्स बच्चा बाहर निकलती है, वो नाल को काटती है, और उसके बाद तुरंत ही दूसरी नर्स उस बच्चे को उठा के ले जाती है और उसको पहुंचती पहुंचती है, वहां पे विटामिन के का इंजेक्शन देती है और उसको बांध के एक वार्मर के नीचे रख देती है गर्माहट के लिए। तब तक के लिए जिस नर्स ने डिलीवरी की है, वो नर्स अगर वहां पे नीचे कुछ टाकों की जरूरत है तो वो टाके वाके मारती है। ये सब करने में लगभग कितना, आधे से 1.25 घंटा निकल जाता है, या चलो आधा घंटा भी निकल जाता है। तो और फिर उसके बाद उस औरत को हम लोग स्ट्रेचर पे डाल के उसके उसके वार्ड में लेके जाते हैं और बच्चे को भी लेके जाते हैं। ये सारे काम में कितनी बार 1 घंटा निकल जाता है, और बच्चे को हम माँ को 1 घंटे के बाद देते हैं, जबकि जो WHO है, जो सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है हमारे वर्ल्ड में, वो भी ये बोलता है कि पहले 1 घंटे में स्तनपान हो जाना चाहिए। वो क्यों, हम पहले 1 घंटे की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पहले 1 घंटे में बच्चा सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। अलर्ट मतलब उसको हिंदी में क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा आसपास देखता है, हालचाल करता है। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, वो एक लंबी नींद में चला जाएगा, क्योंकि जो डिलीवरी के दौरान उसके ऊपर स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस, जैसे अगर सपोज हमने 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी की है, उसके बाद हम लंबा सो जाते हैं घर जाके, है ना, तो
तो उसी तरीके से वो बच्चा जब डिलीवरी के पूरे यूट्रस में से नीचे से बाहर निकल के आता है तो उसके ऊपर एक स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस की वजह से वो एक लंबी नींद में चला जाएगा। तो अगर आप पहले एक घंटे में उसका स्तनपान नहीं करा पाएंगे तो बाद में उसको नींद से उठा उठा के स्तनपान कराना बहुत ही कठिन हो जाता है। और पहला जो फीड है, जो पहला स्तनपान है, वो बहुत ही लेट हो जाता है। और पहला स्तनपान लेट होने से कितनी बार अगर बच्चे के अंदर स्टोर्स नहीं है, स्टोर्स का मतलब है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो बच्चे के अंदर लिवर में एक डब्बा तैयार होता है ग्लाइकोजन का, तो वो सारा ग्लूकोज वहां पे ग्लाइकोजन की तरह संभाल के रखता है कि अगर मुझे कभी किसी कारण से दूध नहीं मिला बाद में डिलीवरी के बाद, तो मैं इस डब्बे का इस्तेमाल करूंगा जो मेरे लिवर में है, और वो ग्लाइकोजन उसको उस समय उसके शरीर में शुगर प्रदान करता है, उसको ताकत प्रदान करता है। लेकिन ये ग्लाइकोजन सिर्फ 12 घंटे तक चलता है, उसके बाद ये डब्बा खत्म हो जाता है। तो अगर पहला और ये जो ग्लाइकोजन का डब्बा उसके लिवर में बना है, ये जो बच्चे जिनका जल्दी जन्म हो जाता है, जैसे प्रीटर्म बच्चे होते हैं जिनका 32 वीक्स, 34 वीक्स या 28 वीक्स पे डिलीवरी हो जाती है, ये डब्बा उनमें होता ही नहीं है। वो ये डब्बा उन्हीं में बनता है जो आखिरी 2-3 महीने में माँ के पेट में रहते हैं, इसलिए जो जल्दी हो जाएंगे उनमें ये डब्बा होगा ही नहीं। तो ऐसे बच्चों में तो पहले एक घंटे में स्तनपान और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके पास तो कुछ अंदर स्टोर्स और रिजर्व्स है ही नहीं। तो अगर उनको स्तनपान से दूध नहीं मिला तो उनको अपने अंदर से भी ताकत नहीं ले सकते हैं। और दूसरा है, जो बच्चे पूरे 38-39 वीक्स, 40 वीक्स पे जन्म हुआ है लेकिन वजन बहुत कम है, मतलब 2.5 किलो से कम है वजन, तो उनके पास भी कमी होती है ग्लाइकोजन की। तो इस वजह से पहले एक घंटे में स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। तो अब मैं एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगी, वो प्रेजेंटेशन के बाद हम दोबारा बात करेंगे। रियलमी 5 प्रो किसी का फोन है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ ओके, तो पहली चीज तो हम स्तनपान क्यों सीख रहे हैं इसके बारे में आपको बताया कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है स्तनपान के बारे में। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं खत्म ही होने वाली थी एमडी, एक माता को हमने बहुत मेहनत करके डिलीवर किया था और पूरा यूनिट लग गया था डिलीवरी में और अच्छे से डिलीवरी हुई थी, बच्चा रोया था डिलीवरी के बाद, लेकिन हुआ ऐसा था कि उस माँ को जब मैं दूसरे दिन देखने गई तब माता मुझसे ये बोलती है कि डॉक्टर सब कुछ ठीक है लेकिन मैं स्तनपान नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं कुछ तो उसे जितना आता था बता के गई, लेकिन वो पूरी तरीके से मैं उसकी मदद नहीं कर पाई। अगले दिन मुझे पता चला कि स्तनपान ठीक से नहीं करने की वजह से बच्चे के शरीर में शक्कर की कमी हो गई थी, ब्लड ग्लूकोज कम होने की वजह से बच्चे को रात को फिट्स आ गए थे, तो वो बच्चा आईसीयू में भर्ती था अगले दिन। तो मैं जब वहां पे बच्चे को देखने गई तब मुझे एक एहसास हुआ कि एमबीबीएस हो गया, डिप्लोमा हो गया, एमडी हो गया, लेकिन ये जो सबसे जरूरी स्किल है स्तनपान का, वो ही शायद मैंने अभी अच्छे से सीखा नहीं है। तो इस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, इसीलिए मैंने ये डिग्री पास की। तो हम भारत को एक ब्रेस्ट फीडिंग कंट्री मानते हैं कि ट्रेडिशनली हमारा कल्चर है कि माताओं ने तो ब्रेस्ट फीड करना ही है, इसके बारे में दो राय नहीं है। सबके घर में एक फोटो तो होती है माता यशोदा और कृष्ण की, और ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है कि हर साल अगर स्तनपान माताएं अच्छे से कराएं तो 8,23,000 बच्चे और 20,000 माताओं की मृत्यु हर साल
हम सिर्फ और सिर्फ स्तनपान से रोक सकते हैं। दूसरी चीज वो बताता है साइंस कि अगर हम स्तनपान पहले 1 घंटे में करा देते हैं बच्चों को, तो वो जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब है न्यूनेट कौन होता है, जो पहले 28 दिन का जो बच्चा होता है, पहले 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको न्यूनेट बोलते हैं, तो उसकी जो मृत्यु है वो हम 22% से कम कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हैं। दूसरी चीज, एक स्टडी इंडिया में हुई थी 2003 में, वो ये बोलता है कि अगर भारत में बच्चों की मृत्यु बचानी है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए और जिनका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है मृत्यु पे, और उसमें इन कुछ चीजों को उन्होंने देखा। उनको पता चला कि कौन सी 2 चीजें हैं जिनका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है मृत्यु दर कम करने में। पहली चीज थी ORS और दूसरी चीज थी स्तनपान। बाकी सभी चीजें जिन पे हम शायद ज्यादा जिनको ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे वैक्सीनेशन या डिलीवरी में सफाई होना या डिलीवरी के बाद बच्चे को अच्छे से रुला पाना, एंटीबायोटिक्स देना, ये सारों का कम महत्व है। ब्रेस्ट फीडिंग ORS का ज्यादा महत्व है भारत में, लेकिन हम कितना जानते हैं इसके बारे में। आप ये देखिए, एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 30% डॉक्टर्स और नर्सेस को कुछ भी ब्रेस्ट फीडिंग पे ट्रेनिंग मिली थी। आप माताओं की देख लीजिए, क्या जब वो गर्भवती होती हैं हम क्या उनकी ट्रेनिंग लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में? क्या हम उन्हें सर्कल में बिठा के अपने हॉस्पिटल में सिखाते हैं कि बच्चे को कैसे पकड़ना है? आई थिंक बहुत ही कम। मुझे नहीं पता हिमल कसा में होता है कि नहीं, अगर होता है तो मैं जब अनम्यूट करने को कहूंगी तब जरूर बताइएगा अगर वहां होता है तो। मैंने तो ज्यादातर बॉम्बे पुणे जहां मैंने काम किया है वहां नहीं देखा है ये। थोड़े हॉस्पिटल्स में जहां होता है वो भी ये पेड सेशंस होते हैं, पैसे देके अटेंड करना होता है तो, और माताएं फिर नहीं करती अटेंड। और तीसरा, डिलीवरी के बाद जो सपोर्ट मिलना चाहिए माताओं को वो काफी कम होता है मेरे हिसाब से। तो सपोर्ट जरूर मिलता है कि आपकी मम्मी आ जाएगी, आपकी बहन आ जाएगी हेल्प के लिए, लेकिन जो सही तरीके का ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए वो कम है, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस को भी इतनी नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अगर आप इंडिया के स्टैटिस्टिक्स, मतलब अगर यहाँ के दर देखें, तो ये 2015 के आंकड़े हैं। पूरे भारत में जो एक ब्रेस्ट फीडिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है, पहले 1 घंटे में स्तनपान कितना हो रहा है? 41%, मतलब 60% बच्चों को पहले 1 घंटे में स्तनपान नहीं मिलता। और पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ये कितने बच्चों में मिल रहा है? सिर्फ 55%, मतलब 55% बच्चों को ही मिल रहा है, बाकी सबको नहीं मिलता है। और हमारे कंट्री में आप जानते होंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मालनरिश्ड बच्चे हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप ये नीचे के आंकड़े देखें, ये सारे के सारे स्टंटिंग, अंडरवेट, मालनरिश्ड, ये सारे भारत के आंकड़े हैं, ये अच्छे आंकड़े नहीं हैं। तो इसलिए हमको सीखना है कि हम कैसे सिर्फ स्तनपान से अच्छी तरीके से बच्चे को बड़ा कर सके और मालनरिशमेंट से बचा सके। तो मैं आपसे बात कर रही थी पहले 1 घंटे को कैसे मैनेज करें। तो आप में से किसी ने भी ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में सुना है? अगर सुना है तो जल्दी से 1 सेकेंड में अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए, किसी ने भी ब्रेस्ट क्रॉल का नाम सुना है क्या? अगर ब्रेस्ट क्रॉल का नाम नहीं भी सुना है तो क्या आप डिलीवरी के बाद बच्चे को तुरंत बिना नाल काटे छाती पे रखते हैं जब yes, ma'am. स्तनपान ना कर ले, रखते हैं क्या? मैं आपको एक ये दिखाना चाहती हूँ वीडियो ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में। पहले आप देख लीजिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यस मैम। ब्रेस्ट क्रॉल पद्धति ने स्तनपानाची लवकर सुरुवात कशी होते?
बाळाने जन्मानंतर एक तासाच्या आत पहिलं स्तनपान घ्यावं अशी शिफारस युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटना आणि वाबा या संस्थांनी तसंच शास्त्रज्ञांनी केली आहे. जर ही शिफारस पाळली गेली तर अविकसित देशांमध्ये एक महिन्याच्या आतल्या बाळांमध्ये होणारे 22% मृत्यू टाळता येतील. पण स्तनपानाची सुरुवात कशी करावी याची ठोस पद्धत या वैज्ञानिक संस्थांकडे उपलब्ध नाही. सर्वे 3 नुसार भारतातील कुपोषणाचं प्रमाण हे 46% आहे. साहजिकच आजार आणि बालमृत्यू दरही पुष्कळ आहे. या सर्वांवर एक उपाय म्हणून स्तनपानाची योग्य आणि यशस्वी सुरुवात करून देणारी सहज, सोपी, कमी खर्चिक आणि ठोस पद्धत शोधण्याची आवश्यकता भासली. जन्म झाल्याबरोबर वासरू आपणहून स्तनपानाला सुरुवात करतात. जन्मानंतर बाळाला जर आईच्या 2 स्तनांच्या मध्ये पालथं ठेवलं तर बाळ सुद्धा आपणहून स्तनपानाची सुरुवात करतं. यालाच ब्रेस्ट क्रॉल म्हणतात. महाराष्ट्र शासन, न्यूट्रिशन मिशन, एकात्मिक बालविकास योजना, BPNI महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि युनिसेफच्या सहकार्याने एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू झालाय. याद्वारे शासन आणि शासनेतर संस्थातील आरोग्य सेवकांना स्तनपान आणि शिशु पोषणाचं मूलभूत प्रशिक्षण दिलं जातं. या प्रशिक्षणात ब्रेस्ट क्रॉलचं प्रात्यक्षिक दाखवलं जातं. या नैसर्गिक चमत्कारानं तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून सर्वोच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण प्रभावित झाले आहेत. जन्मानंतर बाळाचा श्वासोश्वास व्यवस्थित सुरू झाल्याची आणि तब्येत चांगली असल्याची खात्री करा आणि लगेचच बाळाच्या पंजांव्यतिरिक्त सर्व शरीर एका स्वच्छ कपड्यानं कोरडं करा. बाळाला हाताळण्यापूर्वी हात साबण आणि पाण्यानं स्वच्छ धुवून घ्या. बाळाला आईच्या जवळ घेऊन जा. आई आणि बाळाला एकमेकांना बघण्याची उत्सुकता असते. गालाला स्पर्श केल्यानंतर आई बाळाची पापी घेते, पुरवाळते. इच्छा असल्यास पारंपरिक प्रथेनुसार आई बाळाच्या कानात देवाचं नाव घेऊ शकते. बाळाला आईच्या पोटावर अशा प्रकारे उपडं ठेवा की बाळाचं डोकं 2 स्तनांच्या मध्ये येईल. बाळाचा आणि आईचा संपूर्ण स्पर्श व्हावा यासाठी आईचं पोट आणि छाती उघडी असावी आणि बाळाच्या अंगावर कपडे नसावेत. बाळाला टोपडं घाला, तसंच बाळाला आणि आईला एकत्रित स्वच्छ पांघरून घाला, म्हणजे दोघांचा स्पर्श होत राहील आणि दोघंही उबदार राहतील. बाळ पडणार नाही याची काळजी घ्या. जन्मानंतर पहिल्या तासात बाळ खूप सावध आणि सतर्क असतं आणि आपणहून कृती करायला उत्सुक असतं. आईच्या जवळ बाळाला उब मिळते आणि मेंदूचा विकास व्हायला चालना मिळते. आई आणि बाळ यांना एकमेकांकडे बघता यावं यासाठी शक्य असल्यास आईच्या डोक्याखाली उशी द्यावी. उपयुक्त जंतू आईपासून मिळाल्यानं इतर जंतू संसर्गापासून संरक्षण मिळतं. या अवस्थेत बाळ स्वतःहून हालचाल करत स्तनपान करायला उत्तेजित होतं आणि त्याला ऊब, प्रेम, सुरक्षा आणि अन्नही मिळतं. बाळाच्या पायाच्या हालचालींमुळे अपसुकच आईच्या ओटीपोटावर हळुवार धक्के बसतात, त्यामुळे गर्भाशय आकुंचन पाहून वार पडायला मदत होते आणि रक्तस्रावही कमी होतो. दूध मिळणार आहे हे समजलं की आपोआप बाळाच्या तोंडाला पाणी सुटायला लागतं. बाळाची वासाची संवेदना जन्मतःच विकसित असते. स्तनाग्र व स्तन मंडलावरील ग्रंथीतून स्रवणाऱ्या एका पदार्थाचा गंध गर्भजलासारखा असतो, त्यामुळे बाळ आईच्या स्तनाकडे आकर्षित होत. बाळाच्या पंजाच्या हालचालींमुळे स्तनाग्र उत्तेजित होऊन वर येत, त्यामुळे बाळाला स्तनावर पकड घ्यायला मदत मिळते. तसंच आईच्या रक्तात ऑक्सिटोसिन नावाचा संप्रेरक स्त्रवत, यामुळे गर्भाशयाचं आकुंचन व्हायला, वार पडायला, रक्तस्त्राव कमी व्हायला मदत होते आणि नंतर पंडुरोग होण्याची शक्यताही कमी होते. बाळाचे हाताचे, पायाचे आणि मानेचे स्नायू सरपटण्यासाठी सक्षम झालेले असतात. बाळाच्या तोंडाच्या हालचाली सुरू होतात. जन्मानंतर बाळाच्या पंजावर असणारं गर्भजल पुसू नये, कारण पंजावरील गर्भजलाचा वास आणि चव बाळाला स्तनाग्राकडे जायला मार्ग दाखवतात.
बाळाच्या सीमित दृष्टीला स्तनाचा काळसर भाग सहज दिसतो. बाळानं डोकं वर उचललं तर त्याला आईचा चेहराही दिसतो. बाळ स्तनाग्र तोंडात घ्यायचा प्रयत्न करत डोकं उचलतं आणि तोंड मोठं उघडून स्तनाची व्यवस्थित पकड घेतं. हा पहिला स्पर्श बाळाचं पहिलं स्तनपान पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहायला पाहिजे. दोघांसाठी हा आनंदाचा अत्युच्च क्षण. या बाळानं तर 10 ते 12 मिनिटातच लक्ष गाठलं आणि स्तनपानाची यशस्वी सुरुवात केली. याला ब्रेस्ट क्रॉल असं म्हणतात. जवळजवळ सगळी बाळं 1 तासात ही क्रिया पूर्ण करतात. निसर्ग मुक्त हस्तानं आपल्यावर उधळण करत असतो. यापैकी ब्रेस्ट क्रॉल ही एक विनामूल्य देणगी आहे. पण यामुळे मिळणाऱ्या आरोग्य आणि पोषण मूल्यांमुळे लाखो मुलांचे जीव वाचू शकतात आणि कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. अत्युच्च मानवी क्षमता गाठणारी एक सुदृढ भावी पिढी तयार होते. ही निसर्गाची देणगी जर अनुभवायची असेल तर ही माहिती प्रत्येक गर्भवती महिलेला आणि तिच्या कुटुंबियांनाही मिळणं आवश्यक आहे. तसंच प्रसूती सेवेतल्या प्रत्येकाने या नैसर्गिक पद्धतीनं स्तनपानाची सुरुवात करण्यासाठी आईला माहिती, मदत, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि पाठिंबा दिला पाहिजे. मैं एक्चुअली ये स्टॉप करने की कोशिश कर रही हूँ. मेरा ये क्यों ऑन है? जस्ट वन सेकेंड मैं वापस इसको ओके. आई होप आप लोग देख पाए पूरा ब्रेस्ट क्रॉल का वीडियो. ये हमारे नंदुरबार में ही शूट हुआ था. डॉक्टर प्रशांत गांगल हैं, उन्होंने शूटिंग की थी और उन्होंने ब्रेस्ट क्रॉल पे बहुत काम किया है. तो मैं आपसे भी, आपने अभी डॉक्टर नीलोफर ने बताया कि आप लोग भी शायद करते हैं ये, तो मैं आप लोग से भी सुनूंगी. उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्यों ब्रेस्ट क्रॉल इतना जरूरी है और ये करने से क्या फायदा होता है. राइट तो हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट क्रॉल की. राइट तो ब्रेस्ट क्रॉल काम क्यों करता है. तो हर बच्चा ना कुछ क्षमताओं के साथ जन्म लेता है. तो हमको लगता है जो बच्चा जन्म लेता है वो बहुत असहाय, बहुत कमजोर, हर चीज के लिए हमारे ऊपर निर्भर, ऐसा है वो. लेकिन अगर आप रियली पढ़ें तो बच्चा जो जन्म लेता है उसमें कम से कम 40 से 50 रिफ्लेक्सेस मतलब कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जो बच्चे को बाहर की जिंदगी, जो गर्भ से बाहर की जिंदगी जीने में मदद करता है. तो जो ब्रेस्ट क्रॉल है उससे लगभग 14 ऐसे रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होते हैं. क्योंकि नॉर्मली अगर आप मुझे नॉर्मली अगर हम देखें तो बच्चे, ये आप देख सकते हैं कि जो बाकी पोजीशंस, जो बाकी अलग अलग पोजीशंस में ब्रेस्ट फीडिंग होती है, बैठ के हाथ को क्रॉस क्रेडल पोजीशंस में पकड़ के, उसमें ये रिफ्लेक्सेस ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट नहीं होते हैं. जबकि जो ब्रेस्ट क्रॉल का समय है जिसमें माता लेटी हुई होती है या थोड़ी सी पीछे से तकिए से उसने सर उठाया हुआ है और बच्चा उसके ऊपर उल्टा है, उस पोजिशन में जिसको लेड बैक पोजिशन भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस आप देख सकते हैं 80-90 या 100% एक्टिवेट हो रहे हैं. तो जब ये रिफ्लेक्सेस ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट होते हैं तो ब्रेस्ट को पकड़ने में, अच्छी पकड़ बनाने में वो बहुत मदद करते हैं. जबकि जब बच्चा सीधा हो पकड़ते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी वो, तो आप ये समझ लीजिए कि वो रिफ्लेक्सेस ज्यादा अच्छे से एक्टिवेट करता है जो ब्रेस्ट क्रॉल है. दूसरा, वो बच्चा माँ के छाती पे चिपका हुआ होता है, बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, तो माँ के शरीर में भी बहुत स्टिमुलेशन या उत्तेजना बोल सकते हैं उसको, या बहुत ही एक मातृत्व मैं हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मन में,
ये मदरहुड जो बोलते हैं, मदरहुड की भावना बहुत आती है, अच्छी भावना आती है बच्चे के लिए। और इस समय पर ऑक्सीटोसिन का नाम लिया उसने। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से निकलता है और वो दूध निकालता है छाती से। तो जब माँ और बच्चे का स्पर्श होता है पहले एक घंटे में, जिस तरीके से वो रेंग रहा था छाती के ऊपर, चाट रहा था माता की छाती, तब वो जो स्पर्श है वो ऑक्सीटोसिन निकालता है सर से माँ के, और उससे दूध निकलता है। और दूसरा फायदा होता है कि वार जल्दी निकलती है और ब्लीडिंग कम होती है। और क्योंकि बच्चा उल्टा है माँ के ऊपर, तो वो जो ग्रेविटी, ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं शायद, वो गुरुत्वाकर्षण बच्चे को माँ की तरफ चिपकाए हुए रहता है। इस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग और अच्छे से हो पाती है। इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे, इसी पोजीशन में तो ब्रेस्ट क्रॉल हो रहा है, ठीक है। इस पोजीशन में तो पूरे 6 महीने भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों की ना जो जीभ है वो नीचे चिपकी हुई होती है, आपने अपने एक्सपीरियंस में, करियर में देखा होगा, जिसको हम टंग टाई बोलते हैं। तो टंग टाई के बच्चों में ये पोजीशन बहुत फायदा करती है, जिसमें इस पोजीशन में ग्रेविटी की वजह से थोड़ी तो टंग बाहर निकलती है। टंग बाहर निकलने की वजह से बच्चा अच्छे से छाती पकड़ पाता है और दूध पी पाता है। ये पोजीशन अगर सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है तो माता को टाके हैं, इसमें बहुत हेल्प करती है। जरूरी नहीं है बच्चे को सीधा पेट पे रखना है, आप साइड से भी थोड़ा रख सकते हैं ताकि टाकों पे बच्चा ना आए। अगर माता को नीचे टाके पड़े हैं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, तो ये बहुत मदद करता है। रात को अगर फीडिंग करनी हो तो ये पोजीशन बहुत मदद करती है, ताकि मदर थोड़ा आराम कर सके। हर बार बैठ के फीडिंग करना जरूरी नहीं है। और ये भी पाया गया है कि एक रिसर्च हुई थी जिसमें जिन बच्चों ने ब्रेस्ट क्रॉल करके डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट क्रॉल किया और फिर वार्ड में गए, वो कम रोते हैं एज कंपेयर टू जो बच्चे जिनका ब्रेस्ट क्रॉल नहीं हुआ था, ठीक है। और भी उसके बहुत एडवांटेजेस हैं ब्रेस्ट क्रॉल के, बहुत फायदे हैं। पहली चीज तो आपने देखा है कैसे वो माँ के ऊपर रेंग रहा था बच्चा, तो माँ की छाती पे अच्छे कीटाणु होते हैं, तो वो कीटाणु बच्चे की चमड़ी पे लग जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब अंदर से बाहर निकलता है तो उसके पास नहीं होते हैं कीटाणु, और उसको बाहर के कीटाणु से इन्फेक्शन हो सकती है। तो जब वो माता के कीटाणु उसके ऊपर एक तरीके की पेंटिंग हो जाती है, तो पेंटिंग होने से बच्चा बाद में इन्फेक्शन से बचता है। दूसरा फायदा है कि जो उसका पहले क्षण है, तो उसकी जो उसको स्मेल, जो उसको सुगंध आती है, जो उसको टेस्ट आता है, या जो उसको स्पर्श मिलता है, वो सारा उसको उस इंसान से मिलना चाहिए जिसे वो जानता है। तो उसकी माता को, माता के स्पर्श को तो वो नहीं जानता है, लेकिन माता की आवाज को जानता है। जब बच्चा यूट्रस में होता है, गर्भ में होता है, तो उसने 9 महीने तक माँ की आवाज सुनी है, तो उसी आवाज के पास वो जाने की कोशिश करता है जब हम उसे पेट पे रखते हैं। इसीलिए तो वो ऊपर की तरफ, छाती की तरफ जाता है। तो माता को बोलना है कि आप बच्चे से बात करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 12th के बाद किसी हॉस्टल में जाना है किसी दूसरे स्टेट में, अगर आपके घर का कोई वहां रहता है, आपका कोई रिलेटिव रहता है, तो आपको और कंफर्टेबल लगता है ना कि चलो मेरा कोई अपना है वहां पे। तो वैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है, गर्भ से बाहर आता है, तो उसे ऐसे जन के पास जाना चाहिए जिसे वो जानता है। तो वो अपनी माता को जानता है, तो उसके लिए पहली ट्रेनिंग अपनी माता के पास होनी चाहिए। और तीसरा पाया गया है कि जो बच्चे ज्यादा माँ की छाती पे लगे रहते हैं, उनमें ब्लड शुगर ज्यादा रहता है। हमको कितनी बार शुगर, जो शरीर, जो इसमें खून में जो शक्कर की मात्रा है, वो बहुत बार कम होने का डर रहता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कि नहीं नहीं चलो, बड़े सिटीज में फॉर्मूला भी इसीलिए पिला देते हैं क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया, इस चीज का डर होता है कि शक्कर कम ना हो जाए। लेकिन पाया गया है कि जितना ज्यादा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब त्वचा का स्पर्श होगा, उतना ही ज्यादा बच्चे में शुगर लेवल हाई होता है। दूसरा, जो गर्माहट मिलती है माता के छाती से, वो बच्चे को ठंडे होने से बचाती है। ये ठंडा होना, हाइपोथर्मिया, एक बहुत बड़ा रिस्क होता है डिलीवरी के बाद। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑक्सीटोसिन बढ़ जाने से क्या फायदे होते हैं। क्या हम ब्रेस्ट क्रॉल सिजेरियन के दौरान कर सकते हैं? कर सकते हैं।
आप ये देखिए इस तरीके से, ये एक पिक्चर है, ये फॉरेन कंट्री की है, लेकिन इंडिया में भी बहुत जगह अभी सिजेरियन के दौरान ब्रेस्ट क्रॉल हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया है, जैसे ही डिलीवरी हुई, अभी इसमें तो नाल थोड़ी देर में काटनी पड़ेगी, तो जैसे हम थोड़ा देर रुकते हैं ताकि वो पल्सेट होना रुक जाए और जितना एक्स्ट्रा ब्लड है बच्चे में चला जाए, और फिर इसको सीधा छाती पे डाल देते हैं, हम उसको पहुंचने के लिए कहीं और नहीं लेके जाते, और इसको यही पहुंचते हैं माता की छाती के ऊपर, और पूरे दौरान जब तक वो टाके लग रहे हैं नीचे तब तक बच्चा यही होता है। अगर आपको ये लगे कि बच्चा ठंडा पड़ जाएगा एसी में, तो एसी का टेम्परेचर भी, ये तो रूल है कि जहां भी बच्चे की डिलीवरी हो रही है 26 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए जहां बच्चे की डिलीवरी हो, नहीं तो बच्चा ठंडा पड़ सकता है। आप चाहें तो बच्चे के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा रख सकते हैं, सूती कपड़ा, और पूरे डिलीवरी के दौरान बच्चे को यहीं रखना है। कितनी बार ये रेंग तो नहीं पाएगा, लेकिन यहीं पे वो अपना स्तनपान कर लेता है, पहला स्तनपान। नहीं तो आपने देखा, आप देखेंगे सिजेरियन में तो नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा समय लग जाता है पहला स्तनपान होने में, क्योंकि हम बच्चे को अलग रखते हैं, फिर माता का सिजेरियन पूरा होता है, कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है, फिर वो वार्ड में पहुंचती है, माँ दर्द में होती है और वो हिल नहीं पाती है, तो ये सब चीजों की वजह से पहला स्तनपान लेट होता है और बच्चों को बहुत बार फॉर्मूला मिल जाता है, इसीलिए इसमें भी कर सकते हैं स्तनपान। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही एक जगह पे ये लेक्चर लिया था, तो वो एक डॉक्टर गौरी सांगली में, उन्होंने अपने ऑपरेशन थिएटर में ये किया, आप देख रहे हैं ये उसी का हाथ है, इसने किस तरीके से बच्चे का स्तनपान सिजेरियन के दौरान कराया है। ऐसे साइड में बैठ के जो वार्ड बॉय है या जो यहाँ पे इस तरीके से बच्चे को अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे सिजेरियन शुरू है और यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, राइट? तो जब हम नॉर्मल तरीके से सिजेरियन, नॉर्मल तरीके से डिलीवरी करते हैं जहाँ पे माँ और बच्चे का अलगाव हो जाता है और बहुत समय लग जाता है पहली फीड होने में, तो जो ये ऑक्सीटोसिन है जो मैंने बताया माता के मस्तिष्क से निकलता है, वो धीरे 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 कम होने लगता है, और इस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। जबकि अगर हम ब्रेस्ट क्रॉल के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन करें, तो ऑक्सीटोसिन अगर कम भी है तो ज्यादा हो जाता है, तो ब्लीडिंग कम होती है और दूध ज्यादा अच्छे से निकल पाता है। हम कहते हैं कि ये सिर्फ माँ के लिए नहीं, ये पिता भी कर सकता है, तो बच्चे को अगर त्वचा का स्पर्श सिर्फ माता नहीं पिता भी दे, तो बच्चे में वही इफेक्ट होगा जो हम बात कर रहे हैं कि अच्छे ऑर्गेनिजम्स, अच्छे कीटाणु शरीर पे लगना, शक्कर ज्यादा होना खून में, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना, और तीसरा जो हमने बात किया ठंडा होना, जो बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है वो रुक जाएगा, राइट? तो ये हमको सब बच्चों में करना है। तो अब मैं ये प्रेजेंटेशन स्टॉप करती हूँ, अभी मैं सुनना चाहती हूँ कि आप लोग के हॉस्पिटल में क्या होता है, क्या आप लोग ये इसी तरीके से फॉलो करते हैं? आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस मैम। हाँ, ग्रेट। तो आप में से अगर बोलना चाहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें और एक जन अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकता है इस बारे में।